मार्केट का मूड पॉजिटिव, नए रिकॉर्ड मार्केट्स में लगातार बनते हुए हम देख रहे हैं और स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप तीनों में ही हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर 21,327 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 350 तक पहुंचा दिन के दौरान। सेंसेक्स 71,000 के ऊपर टिकते हुए फिलहाल कारोबार कर रहा है। मिड कैप थोड़े उथल पुथल जरूर हुए हैं लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स पर कंसिस्टेंटली बने हुए हैं। हालांकि आज के सेशन में मिड कैप इंडेक्स आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, बाइंग है स्मॉल कैप इंडेक्स में। निफ्टी बैंक आज लेगार्ड है, खास पार्टिसिपेशन है नहीं, यहां पर भी फ्लैटेस्ट टोन पे ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब लेकर आते हैं फटाफट से मार्केट की ब्रेथ आपके सामने और उसके बाद बाजार की बड़ी बातों पर करेंगे फोकस। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव है, 1719 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1241 स्टॉक है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो यह है फिलहाल मार्केट की ब्रेथ जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। फटाफट से देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को भी और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आएंगे। इंटरनेशनल क्यूज में यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत देखेंगे तो ईसीबी ने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है, फेड की मीटिंग का आउटकम हमारे सामने है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग के बाद हमने यूरोपियन स्टॉक्स की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव होते हुए देखी। हालांकि स्ट्रेट टाइम्स लाल निशान में जरूर है लेकिन तेजी आपको देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत पॉजिटिव हुई है, फुटसी क्योंकि ऊपर खुला है। एशियन मार्केट्स ही आपकी स्क्रीन पर है जहां पर शंघाई थोड़ा नीचे है आज के बाजार में, अदरवाइज हांगकांग के बाजार 2.5% ऊपर है, कॉस्पी पौने 1% ऊपर है, निकेई 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ज्यादातर एशियाई बाजार पॉजिटिव ही है। अब लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स 68 अंक ऊपर है, नैस्डैक का फ्यूचर 35 अंक ऊपर है, तो हल्की बढ़त यहां भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा कोई मूड बिगाड़ने वाले संकेत आपको एशियन मार्केट्स या फिर यूरोपियन मार्केट्स के फ्यूचर्स से नहीं देखने को मिल रहे हैं। हुआ क्या है अब तक मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं एक एक करके। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर मार्केट, नए शिखर पर निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप्स कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो यहां पर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला लगातार जारी है, फ्रंटलाइन इंडाइसेस दौड़ते हुए एक शानदार मोमेंटम के साथ। साथ ही आज निफ्टी बैंक आपको लेगार्ड दिखाई दे रहा है लेकिन मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में सेलेक्ट बाइंग है। 21,350 के आसपास है निफ्टी, 71,000 के ऊपर है सेंसेक्स। आईटी स्टॉक्स में जोरदार तेजी, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है आज आईटी इंडेक्स, 4% का जोरदार उछाल आज आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में गिरावट से मेटल स्टॉक्स में चमक बनी है, मेटल इंडेक्स 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आईटी मेटल में स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। फार्मा, केमिकल, एनबीएफसी स्टॉक्स ये भी फोकस में है जहां पर एनबीएफसी में प्रेशर है लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको फार्मा और केमिकल के मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं स्ट्रेटजीज की, निर्बंक नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आउटलुक रिमेनिंग सेशन के लिए, एक इंडेक्स स्ट्रॉन्ग एक इंडेक्स लेगार्ड, क्या व्यू? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए यस, बैंकिंग थोड़ा सा लगा रहा है आज के दिन में मगर वो भी यू नो सेकेंड हाफ में पिकअप कर लेगा ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्पेशली यू नो लास्ट वीक में जब निफ्टी 20,300 के ऊपर गया और बैंक निफ्टी अबाउट 47,000 के ऊपर गया। सो आई बिलीव कि ये जो मोमेंटम है वो जारी रहना चाहिए। निफ्टी यहाँ से मुझे लगता है कि 21,600 तक प्रॉबेबली आज के दिन में या अगले एक दो दिन में दिनों तक आ जाएगा फ्यूचर लेवल्स। तो यहाँ से आप खरीदारी करें, नीचे में जो स्टॉप लॉस है 21,350 का रहेगा और टारगेट 21,600 का रहेगा। बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया पैटर्न बना है, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव बैंक निफ्टी भी ऊपर में 48,500 तक स्पॉट लेवल्स जा सकते हैं, फ्यूचर लेवल्स अराउंड 48,650 तक। तो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, 47,650 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 48,400, 48,650 आपका दो टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या है आपकी? तो देखिए थोड़ा सा आज का जो फोकस है लार्ज कैप्स पे रहना चाहिए। सो मैं आज तीन स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, दो लार्ज कैप्स की और एक मिड कैप। जो लार्ज कैप्स में है, पहला बाय आपने भी कहा कि मेटल्स में अच्छी बाइंग है, टाटा स्टील में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन का 132 के ऊपर। अब यहाँ से लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर में 145-150 तक जा सकता है, तो 150 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 130 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा जो मेरा बाय कॉल रहेगा SBI में रहेगा। देखिए SBI में भी एक 12 महीने का ब्रेकआउट आया है और ये जो ब्रेकआउट है छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं, काफी अच्छा बड़ा ब्रेकआउट है। आई बिलीव SBI में अच्छा मोमेंटम रहेगा, चांसेस है कि ये यहाँ से 670 तक जा सकता है। तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं, 610 का स्टॉप लॉस लगाइए, 670
में टारगेट रहेगा। तीसरा जो मेरा कॉल है मिड कैप में वो आरसीएफ में रहेगा। देखिए आरसीएफ में बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट आया है और यू नो 10 साल पुराना ब्रेकआउट है, इनफैक्ट 12 साल पुराना ब्रेकआउट है, तो अब यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ चुके हैं और अच्छा मोमेंटम भी दिख रहा है। आई बिलीव आरसीएफ में अच्छी बाइंग रहेगी। यहाँ से 170 के टारगेट रहेंगे, 170-175 के टारगेट रहेंगे, तो उसके लिए आप बाइंग करें। नीचे में 152 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो ये है ट्रेड आपके लिए जहां पर टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरसीएफ में खरीदारी की सलाह दी गई है। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल, दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है। और आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो आईटी क्योंकि आउट परफॉर्मर है, आज 4% ऊपर है फ्रंटलाइन इंडाइसेस। तो अब दिखाते हैं आपको मिड कैप के वो आईटी स्टॉक्स जो कि जोरदार तेजी में साथ कर रहे हैं कारोबार। जेंसर टेक्नोलॉजीज 11% ऊपर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 5% ऊपर, 5.5% की जोरदार तेजी परसिस्टेंट में है। एलएनटी टेक सर्विसेज भी 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेटल्स में शानदार मोमेंटम, नालको 7.5% ऊपर, एनएमडीसी 2% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील में 1.5% का मूव, हिंदुस्तान कॉपर 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। फार्मा में मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी, मोरपन लेबोरेटरी 7% ऊपर, 4% ऊपर है पेनिशिया बायर, जुबिलेंट फार्मोवा में भी 4% का उछाल, सोवन फार्मा 4.5% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में। केमिकल्स में खरीदारी है, बालाजी अमाइंस 6% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 2% ऊपर, 3.5% ऊपर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, और अल्काइल अमाइंस में भी 3.5% की जोरदार तेजी देखने को मिली है आज के कारोबार में। अब एक पॉकेट ऐसी जहां पर थोड़ा प्रेशर है वो एनबीएफसी, मैक्स फाइनेंशियल 4% ऊपर, पीएफसी आरएसी 3% नीचे है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लगातार चलने के बाद। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी 2.25% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो एनबीएफसी में थोड़ा सा प्रेशर, सेलेक्ट प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स के जो गिरावट में है, सीजी पावर 2% नीचे है, क्लीन साइंस 2% नीचे और 1.5% नीचे कंटेनर कॉर्प कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट का हाल, लेकिन एक राय ले लेते हैं नालको पर जो कि ऑलरेडी 7.5% ऊपर आ चुका है। बताइए एक बार नीरव, जिनके पास भी ट्रेडिंग पोजिशन होल्ड हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू हो, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? स्टॉप लॉस कहाँ रखे, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, क्या करें? देखिए बहुत बढ़िया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में 106 के ऊपर, तो अभी आपको बाइंग ही करना है। लग रहा है कि 122 से 125 के लेवल आ सकते हैं और 2-3 दिन में ही आ सकते हैं, वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त हुए हैं, तो करंट लेवल से आप बाइंग करें। 106 का स्टॉप लॉस लगाए, 122 ऑट का आपका टारगेट रहेगा। तो नालको 112 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, एक अच्छी स्ट्रेंथ। अच्छा आईटी का जैसे अभी हमने जिक्र किया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, परसिस्टेंट, जेंसर, कोफोज, कोई भी स्टॉक अगर आप पिक करेंगे तो शानदार तेजी इस पूरे ही स्पेस में देखने को मिल रही है। मास्टेक एक और स्टॉक है जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में देखने को मिली है। तो सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी मोमेंटम है। कोफोज पर एक राय ले लेते हैं, स्टॉक 4.5% ऊपर 3430 के लेवल्स पर है। ऑलरेडी एक अच्छा रनअप सुबह से लेकर अब तक हमने देख लिया है, फिर भी कोई वैल्यू नजर आ रही है किसी आईटी पैक में, पहला सवाल नीरव, और दूसरा ये कोफोज कैसा लग रहा है? देखिए आईटी एज अ होल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स बोथ, जैसे कि आपने नाम लिए सारे ही स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट आए हैं और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे काफी अच्छा बन देके जाने वाले ऐसा लग रहा है। सो आई बिलीव के ये पैक में जरूर रहना चाहिए, तो इसमें 2-3 नाम मैं लूंगा। एक मैस्टेक है, एक कोफोर्ज है और एक एलएनटी टेक्नोलॉजीज है, इनमें बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं, तो इनमें अच्छी यू नो बाइंग आ सकती है फ्रॉम करंट लेवल। मुझे लगता है कि मैस्टेक 3000 तक जाएगा, तो 2620 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजीज में भी अच्छी रुझान दिख यहां से लग रहा है कि 5500 तक ये जा सकता है, तो 5200 के स्टॉप लॉस से इसे बाय किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंटली कोफोर्ज, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, तो आपने एकदम सही पकड़ा स्टॉक। देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ से 6100 पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, तो मेरे हिसाब से ये काफी अग्रेसिवली ऊपर जाएगा। पॉसिबल है कि ये 7000 के लेवल तक भी जा सकता है नियर टर्म में, प्रॉबेबली ये आने वाले हफ्ते में 6750-6800 चले जाएगा, तो वो टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। नीचे में 6300 का स्टॉप लॉस रहेगा।
इनफैक्ट आईटी ही आज एक स्ट्रॉन्ग मूवर है और बैंक निफ्टी के ना चलने के पीछे कारण और निफ्टी के चलने के पीछे कारण आईटी ही है। बैंक स्टॉक से पार्टिसिपेशन नहीं है आज, निफ्टी को जो सपोर्ट लैंड हो रहा है उसमें आईटी स्टॉक्स का अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। इनफैक्ट एक बार कंट्रीब्यूशन के रेट भी आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि आप दिग्गजों में देखेंगे तो टीसीएस 4.5% ऊपर है, इन्फोसिस 3-4% ऊपर कारोबार कर रहा है, तो दिग्गज आईटी स्टॉक जो कि हैवी वेट है वहां से एक अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए अगर आप कंट्रीब्यूशन की प्लेट देखेंगे तो आई एम श्योर आईटी का कंट्रीब्यूशन काफी होगा निफ्टी को ऊपर ले जाने में। आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, एसएलटेक, पहले तीन स्टॉक्स तो आईटी के ही हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी को सपोर्ट करने में। रिलायंस की तरफ से 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन हटा दें अगर तो 150 अंकों का इकलौता कंट्रीब्यूशन निफ्टी में आईटी स्टॉक्स की तरफ से ही आते हुए दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट पूरे ही हफ्ते हमने काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। यहाँ पर जो आउटलुक है आईटी को लेकर वो काफी बदला है, स्कोप यहाँ पर काफी नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स को भी, एक्सपोर्ट्स को भी, और यही कारण है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। तो चलिए, तो आईटी की बात हुई, लेकिन दो और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक तरफ है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है एम्बर एंटरप्राइजेस। इन दोनों ही स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ चुके कारोबार में। दरअसल यूबीएस इन दोनों स्टॉक्स पर काफी बुलिश है। अगर हम पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो खरीदारी के व्यू के साथ कवरेज इनिशिएट किया है यूबीएस ने डिक्सन टेक पर। 7,700 के उनके टारगेट है पर स्टॉक, तो यहाँ व्यू पॉजिटिव है। उनका बुलिश क्यों है वो, क्योंकि उनका मानना है कि मोबाइल और आईटी हार्डवेयर में बड़े मौके रहेंगे डिक्सन के लिए, और कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो अभी भी बहुत महंगे नहीं है। तो एक तरफ तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आईटी हार्डवेयर और मोबाइल सेगमेंट में, प्लस वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, ये दो बड़े ट्रिगर वो देख रहे हैं। हालांकि थोड़ा अगर चैलेंज रहेगा भी डिक्सन के लिए यूबीएस का मानना है तो वो है बड़े ऑर्डर की टाइम पर डिलीवरी पूरा करना। तो ऑर्डर्स की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन एक चिंता हो सकती है, लेकिन व्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर हम एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ भी यूबीएस ने कवरेज शुरू किया है, 4,075 के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं, और ये एम्बर एंटरप्राइजेस पर यूबीएस की राय है। और उनका भी मानना यही है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी है, गर्मी इस बार क्योंकि ज़्यादा हुई है, जल्दी अराइवल होगा जो एंटिसिपेशन है, उसके कारण एसी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आगे कंपनी के लिए रहेगी। कंज्यूमर डिमांड हो या फिर एक्सपोर्ट डिमांड हो, दोनों ही सेगमेंट्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए। थोड़ा चैलेंज हो सकता है लेबर से जुड़ा हुआ, अदरवाइज ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एक दूसरा चैलेंज, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये है व्यू यूबीएस का इन दोनों ही स्टॉक्स पर, जहां पर खरीदारी की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, इन दोनों स्टॉक्स पर एक टेक्निकल कमेंट ब्रेक के बाद आकर लेंगे। साथ ही साथ सुमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर, उनसे भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ खास रिसर्च आपके लेकर आते हैं। दरअसल बाजार में इन दिनों तेजी की धूम है, लेकिन इस तेजी में भी कुछ नगीने ऐसे हैं जो बिना रुके बिना थके लगातार कई सालों से रिटर्न दे रहे हैं। कौन से हैं ये बाजार के वो एटीएम, बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो बाजार के एटीएम यानी कि वो शेयर जो कि पिछले 5 सालों में एक बार भी नेगेटिवली क्लोज होते हुए नहीं दिखाई पड़े और लगातार एक कांस्टेंट कंपाउंडर के तौर पे कामकाज कर रहे हैं। पहले एक पर्सपेक्टिव आपके सामने कि अगर आप 7% के ब्याज से पैसा लगाते हैं कहीं तो 10 साल लगते हैं आपका पैसा दोगुना होने में। अगर आप 15% के सालाना रिटर्न के हिसाब से पैसा लगाते हैं तो 5 साल लगते हैं आपका पैसा डबल होने में। और अगर किसी शेयर में जो कि 20% का सालाना रिटर्न देता है तो आपको 3.5 साल लगते हैं रफली एक पैसा अपना डबल करने में। तो कुछ शेयर इसी तरह के जहां पर कॉन्स्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस आई है, मिसाल तौर पर जेएसडब्ल्यू स्टील, एवरेज 30% का रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा है और कहीं 14% से लेके 70% तक का रिटर्न बीते 5 सालों, लेकिन एक भी साल नेगेटिव रिटर्न नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। इसी तरह की परफॉर्मेंस टाइटन की तरफ से भी आई है निफ्टी में, करीब 8% का या 3% का मिनिमम रिटर्न, 60% का पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन बीते 5 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं जहां पर नेगेटिव रिटर्न टाइटन ने दिया हो। एक एवरेज रिटर्न एमएनएम का 30% का रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में यानी कि 19 से लेकर 23 के बीच में कोई भी ऐसा साल नहीं जबकि यहां पे नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा हो। लाइकवाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज, देश की सबसे बड़ी कंपनी, 7% का रिटर्न पिछले 5 सालों में मिनिमम और 31% का मैक्सिमम, लेकिन ऐसा कोई भी साल नहीं जबकि नेगेटिव रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा हो। और ब्रिटानिया एवरेज 17% का रिटर्न, और करीब पिछले 5 सालों में अगर एक परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऐसा कोई भी साल नहीं जहां पर नेगेटिव रिटर्न हो। ये थे लार्ज कैप, लेकिन मिड कैप की तबीयत कहीं और। आप टाटा एलेक्सी देखिए, 80% का एक एवरेज रिटर्न, करीब करीब 4% के मिनिमम से लेकर 220% का मैक्सिमम, और कोई भी ऐसा साल नहीं जबकि नेगेटिव गया हो। लिंडे इंडिया करीब 27% का मिनिमम रिटर्न, 156% का मैक्सिमम, 66% का पॉजिटिव एवरेज रिटर्न, और यहां पर भी कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं किसी एक साल में। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट, करीब 62% का पॉजिटिव रिटर्न और एक शानदार तेजी साल दर
साल इस कंपनी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी और कोई भी नेगेटिव रिटर्न यहां पर भी नहीं। और वरुण बेवरेजेस 57% का एवरेज रिटर्न है, 20% मिनिमम और करीब 123% पॉजिटिव रिटर्न बीते 5 सालों में, और कोई भी ऐसा साल नहीं जो कि नेगेटिव हो। और लास्टली टाटा समूह की ट्रेंड, करीब 48% का एवरेज रिटर्न, कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर रहा और ये साल तो शानदार रहा, 123% का रिटर्न यहां पर आता दिखाई पड़ा। और यहां पर भी ऐसा कोई साल नहीं जबकि नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा हो। शुक्रिया सुमित ये खास रिसर्च लेकर आने के लिए। तो ये हैं वो कुछ चुनिंदा सितारे जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं। लेकिन लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की परफॉर्मेंस। इस हफ्ते मुकाबला रहा प्रशांत सावंत, अमोल अठावले और स्वाति होटकर के बीच में। पहले दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो की अपडेट। जेएम फाइनेंशियल एक ट्रेड है जो प्रशांत सावंत ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी एक अच्छा रनअप ये स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 98.15 पर ट्रेड कर रहा है, 120 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 85 का स्टॉप लॉस। अब लेकर आते हैं रिटर्न की स्थिति। रिटर्न की स्थिति से पहले एक और अपडेट। अमोल ने टाटा मोटर्स से प्रॉफिट बुक किए हैं 727 के लेवल पर, 775 के इनके लक्ष्य हैं। मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रही है स्वाति 14.5% के रिटर्न, क्लोजली कम्पीट कर रहे हैं प्रशांत सावंत 13% के रिटर्न, अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 1.36% के रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक, मिड कैप मंत्रा में इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे के इंडस्ट्रीज के CMD अनिल गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।